सर एटम सर एटम सर एक दूसरे के में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, एटम फोर्स एग्जर्ट करता है, तो इसका मतलब अगर गैसियस सब्सटेंस है या गैसेस है तो भी फोर्स एग्जर्ट करता होगा। यस सर करता है बट वीक होता है। वीक होता है मतलब ठीक है करता है ना बेसिकली। तो गैसेस जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट एग्जर्ट कराएगा पहला चीज, और साथ ही साथ गैस के पार्टिकल का भी तो कुछ ना कुछ साइज होना चाहिए ना, ये तो हम लोग बचपन से सुनते रहे कि हर एक एटम में कुछ ना कुछ साइज होता है, तो गैस के पार्टिकल का साइज होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि गैस में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स है और उसका साइज है, तो क्योंकि साइज भी वेरी कर सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी अलग अलग होता है, तो इसके वजह से हम लोग कुछ रिलेवेंट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते गैसेस सिस्टम के लिए, मतलब बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक गैस एक अलग सिस्टम के जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो इस वजह से हम लोग करते क्या है, हम लोग ऐसा एजम्पशन मानते हैं कि हम लोगों के पहले वाले पार्ट का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा, दूसरे वाले पार्ट का भी एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा, ऐसा हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पहला एजम्पशन, और दूसरा गैस के पार्टिकल का जो साइज है वो पॉइंट मास के जैसा है, मतलब बेसिकली उसका कोई साइज नहीं है, हम लोग उसको पॉइंट मान के चल रहे हैं, मास है बट पॉइंट में वो मास सारा का सारा कन्फाइंड है, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल लेते हैं। इस तरह के सिस्टम को जहां पे गैस के पार्टिकल्स का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स का इंटरेक्शन नहीं है और उसका जो साइज है वो जीरो है, बेसिकली पॉइंट मास है, इस तरह के गैसेस सिस्टम को हम लोग आइडियल गैस बोला करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, आइडियल गैस। और हम लोग अपने सारे गैसेस सिस्टम को, जितने भी गैसेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे पार्ट को इस सिस्टम पे पुट कर देते हैं कि सारे गैसेस आइडियल गैस अगर होते या अगर है तो उस केस में हम लोग किस तरीके से उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के रिलेशन में मेनली प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, इन चार चीजों को रिलेट किया जाता है। और इन चार चीजों को रिलेट करने के लिए जो हम लोग रिलेशन निकालते हैं बेसिकली, जैसे होता है कि इक्वेशन का मतलब क्या है, दो वेरिएबल में रिलेशन, तीन वेरिएबल में रिलेशन, चार वेरिएबल में रिलेशन, तो उसी टाइप से हम लोग इन चार वेरिएबल्स में जो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं उस चीज को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये पार्ट केवल आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा और किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल आइडियल गैस। अगर रियल गैस हुआ तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड के लिए तो बात ही नहीं कर सकते। जहां पे पी वाला पार्ट अपना प्रेशर है सबसे पहला चीज, वी वाला पार्ट को हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे, एन वाले पार्ट को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बोला करते हैं, आर वाले पार्ट को हम लोग गैसियस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग टी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। टी वाले पार्ट को हम लोग टेम्परेचर बोलेंगे जो कि केल्विन स्केल में होना चाहिए, हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में पुट करेंगे। एंड आर वाले पार्ट को हम लोग एक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इस चीज को हम लोग नॉर्मली गैस कांस्टेंट बोलते हैं। गैस कांस्टेंट बोलो या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलो, जो भी नाम बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये इक्वेशन याद रखना मस्ट होता है। ऑल्दो ये इक्वेशन मोल कांस्टेंट बहुत माइन्यूटली काम में आता है, मतलब डाल दिया जाता है हर जगह मोल कांस्टेंट में फॉर्मूला डाल दिया जाता है, क्योंकि जो एसटीपी कंडीशन है यहीं से आया है। तो एसटीपी कंडीशन जब हम डिफाइन करते हैं, जब लेक्चर देखेगा एसटीपी कंडीशन हम जब डिफाइन करते हैं तो वहां पे इससे रिलेटेड हम कुछ कुछ कैलकुलेशंस कराया करते हैं, तो हम वो भी लेक्चर तो आपको भेज देंगे। बुकलेट में वो चीजें नहीं दे रखी होती है, मतलब बुकलेट में हम लोग बहुत नॉर्मल सी चीजें दे रखी होती है कि हाँ ये फैक्ट है, ऐसा ऐसा याद रखो, बट कुछ चीजें बताने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग को डिस्कस करने होते हैं जो हम लोग लेक्चर्स में डिस्कस किया करते हैं। तो बेसिकली जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है आर, इस चीज का वैल्यू हम लोग, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, इसका तीन अलग अलग वैल्यू है, जैसे ना टेम्परेचर का तीन अलग अलग स्केल है, तीन अलग अलग सिस्टम है, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट। सिमिलरली आर वाले पार्ट का तीन अलग अलग वैल्यू है, जिसमें एक होता है 0.0821, इसका यूनिट हम लोग जब लेते हैं तो प्रेशर एटमोस्फेयर में होता है, प्रेशर का एक यूनिट होता है एटमोस्फेयर, एक हम लेक्चर भेजेंगे तुमको उसको देखना, उसमें ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट अभी के लिए बस याद रखना एटमोस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे हम लोग सुने होंगे 9th क्लास 10th क्लास में कि पास्कल होता है, बार होता है, वैसे ही एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर एक्चुअल में केमिस्ट्री में सबसे फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है, एटीएम लीटर पर केल्विन मोल, हम लोग इस यूनिट की बात कर रहे होते हैं। और इस चीज को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1/12 लिख सकते हैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट 0.0821 ही लिया जाता है, बट 1/12 जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 0.08 समथिंग कुछ वैल्यू आता है, तो 1/12 लेकर के हम लोग इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन। दूसरा एक और वैल्यू है, दैट इज 8.314,
ये पार्ट हम लोग के जूल के टर्म में चलता है, जूल पर केल्विन मोल। तो एक चीज दिख रहा होगा, केल्विन मोल तो सेम है बट एटीएम लीटर की जगह जूल आ गया, और जूल के बारे में मालूम होगा एनर्जी का यूनिट है। आगे जाके मालूम पड़ेगा कि एटीएम लीटर भी एनर्जी का यूनिट है, ये आगे पता चल जाएगा तुमको जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब ये चीज का आइडिया लगेगा। और इस 8.314 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 25/3 के बराबर ले लिया करते हैं। और इसके अलावा तीसरा हम लोग का वैल्यू होता है 2, एक्चुअल वैल्यू होता है 1.987, बट 1.987 इतना मतलब एक्यूरेटली हम लोग 2 के बराबर ले सकते हैं कि इसको 2 ही बोला जाता है हमेशा, 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। ये छोटा सा टर्म है जो अपने को ध्यान रखने का है। ये बेसिक कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोगों को रटना पड़ता है बेसिकली, जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली, कि हम लोग के आर के वैल्यूज होते हैं। और इस चीज को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। गैस का प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। गैस का प्रेशर मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, गैस का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। क्योंकि गैस के केस में जिस कंटेनर में हम लोग गैस को रखा करते हैं उसका वॉल्यूम ही हम लोगों के गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है। और कोई डाउट सर, आर का वैल्यू आया कहां से? आर का वैल्यू कांस्टेंट अब कहां से आया तो दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि आर का बहुत सारे मतलब इस तरह के बहुत सारे कांस्टेंट है। डेफिनेटली कुछ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस किए गए होंगे, ऐसा समझ लो कि हम लोग प्रेशर को, वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मोल्स को, टेम्परेचर को, इनको चेंज करते गए। तो जब इनको चेंज किए तो हम लोग को कुछ रिलेशन दिखाई दिया, जैसे आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि जब हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं या नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज होता है, ऐसा हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हम जब भी कभी नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं देख रहे तो प्रेशर चेंज हो रहा है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जितना चेंज किए प्रेशर उसी ऑर्डर में चेंज हुआ क्या, जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स को 2 times कर दिए तो प्रेशर भी 2 times हुआ क्या, तो ऐसा हो जाता था। तो जब नंबर ऑफ मोल्स डबल किए तो प्रेशर डबल हुआ, जब नंबर ऑफ मोल्स 4 times किए तो प्रेशर 4 times हुआ, तो दिख गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एक ये रिलेशन डिफाइन हुआ। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर के ऊपर बात किए कि टेम्परेचर को चेंज करने से कुछ फर्क पड़ा क्या, तो टेम्परेचर के केस में भी यही रिलेशन आया कि किसी भी गैसीय सिस्टम में जब टेम्परेचर को डबल कर रहे थे, और याद रखना केल्विन स्केल, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से 400 पे चले गए, 200 केल्विन से 400 केल्विन पे जाना अलग चीज है, और 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डबल नहीं होता, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 473 और 400 का मतलब हो गया 673, दोनों डबल वैल्यू नहीं है। तो जब टेम्परेचर को डबल किए तो प्रेशर वाला पार्ट भी डबल होना शुरू हो गया। तो बेसिकली यहां से भी हम लोग डिफाइन कर पाए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा सोचा जा सकता है। सिमिलरली जब हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को रिलेट करना शुरू किए तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स आया, एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी आया। तो एक चीज मालूम पड़ेगा कि प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम को रिलेट करने की कोशिश किए तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना कम किए प्रेशर उतना बढ़ता चला गया। तो इस तरह का कुछ कुछ रिलेशंस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे निकाला गया, और यहां से हम लोग ऐसा सोच पाए कि हम लोगों का जो प्रेशर वाला पार्ट है ये हम लोगों के वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इस वॉल्यूम को उठा के इधर लेके चले जाए, या फिर ऐसा कर देते हैं कि हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी वाले पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, तो एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, पी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू 1/v। तो यहाँ से पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए। सिमिलरली जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात किए थे तो हम लोग को मालूम पड़ गया था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू एन, इस एन को उठा करके नीचे ला सकते हैं, तो पी बाई एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक रिलेशन निकल के आ गया। सिमिलरली पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक रिलेशन निकल के आ गया। ये सब रिलेशन हम लोग आगे गैस स्टेट में पढ़ेंगे, को हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं, कुचाल्स लॉ बोलते हैं, को हम लोग गे-लुसैक लॉ बोलते हैं। तो ये जब सारे एक्सप्रेशन को हम लोग पुट आउट करना शुरू किए तो पीवी है डिवाइडेड बाई एन है डिवाइडेड बाई टी है, इन सारे को एक ही बार जगह अगर पुट कर लिया पीवी अपॉन एन टी, तो डेफिनेटली ये पार्ट कॉन्स्टेंट के बराबर ही होना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है। तो ये रिलेशन को हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आया कि चलो एक काम करते हैं, अलग प्रेशर, अलग वॉल्यूम, अलग नंबर ऑफ मोल्स, अलग टेम्परेचर, ये चारों वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। किसी भी गैस के लिए एक सिस्टम है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लो हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर है एंड वॉल्यूम है, ये चारों को चेंज कर देते हैं।
तो जब चारों को चेंज कर रहे तो देख रहे थे कि ये जो रेशियो है सेम आ रहा है, जैसे रेशियो वाला पार्ट सेम आ रहा है, उस सेम रेशियो को जो वैल्यू आया, ये जो कांस्टेंट वाला वैल्यू आ रहा था, इसी चीज को हम लोग गैस कांस्टेंट बोलना शुरू कर देते हैं। ये हम लोग का ऑरिजिन है आर वाले पार्ट का, बट ऑरिजिन अपने किसी काम का नहीं होता है। और कोई डाउट सर? मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले पार्ट को बता देते हैं। जैसे अच्छा वो तुम्हारे लेक्चर में नहीं होगा, जस्ट अगले लेक्चर में होगा वो, ठीक है। जैसे ऐसा समझो कि हम लोगों का कार्बन वाला पार्ट, ऑक्सीजन वाला पार्ट और सल्फर वाला पार्ट, ये सब मिलके एक तो CO2 बना सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा कार्बन वाला पार्ट और सल्फर वाला पार्ट मिलकर के आराम से CH2 बना सकता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन एंड सल्फर वाला पार्ट मिलकर के SO2 बना सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तीनों कंपाउंड देख रखे हम लोगों ने। तो जब भी कभी तीन एलिमेंट मिलके तीन अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब ए बी के साथ कंबाइन करके ए बी बना रहा, या फिर ऐसा लिख देते हैं ए बी एंड सी तीन एलिमेंट्स हैं, कंबाइन करके ए बी बना रहा, ए सी बना रहा एंड बी सी बना रहा, मतलब तीन एलिमेंट्स मिलके अगर तीन कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस तरह के सीनेरियो में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होता है। क्या होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे अगर मान लो ये पहले वाले सीनेरियो की बात करते हैं, कार्बन वाला पार्ट कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ, ये सीनेरियो को अगर कंबाइन करें तो हम लोगों का कार्बन का और हाँ ठीक है, ऐसा जैसे पहले वाले केस में अगर हम लोग CO2 को लेकर के चले एंड CH2 को लेकर के चले, तो इन दोनों केसेस में जो हम लोग का कार्बन का मास है वो तो फिक्स्ड है 12 के बराबर। तो कार्बन के 12 ग्राम के बराबर के वैल्यू पे, मतलब कार्बन के फिक्स्ड मास के वैल्यू पे जो ऑक्सीजन का मास कंबाइन किया, अगर ये हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन का जो मास कंबाइन किया ये हम लोग का 32 के बराबर है, और जो सल्फर का मास कंबाइन किया ये हम लोग के 64 के बराबर है। अगर हम लोग कार्बन से ऑक्सीजन एंड सल्फर का एसोसिएशन कराए, तो उन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन के 12 ग्राम के साथ, मतलब कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन एंड सल्फर का जो मास कंबाइन किया, दैट इज 32 एंड 64, ऐसा हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब जैसे ऐसा सोचो कि अगर 32 ग्राम और 64 ग्राम है, तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन एंड सल्फर का जो मास रेशियो कॉम्बिनेशन में गया, सल्फर और ऑक्सीजन अगर निकालते हैं, तो 64:32, मतलब अपना वैल्यू 2:1 निकल के आने वाला है। कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरे और तीसरे एलिमेंट का मास रेशियो है, तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ दूसरे और तीसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन किया, उसका मास रेशियो 2:1 के फैक्टर में आया। अगर हम लोग यही चीज एप्लीकेबल मानना शुरू करें आगे थोड़ा, जैसे मान लो कि इसमें हम लोग ऐसा मेंशन कर दे कि हम लोग SO2 लेकर के चलते हैं, या SO3 वाले पार्ट को लेकर चलते हैं, अरे यार मान लो इसमें SO2 वाले पार्ट को लेकर चलते हैं, तो SO2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन का कितना मास है, तो 32 के बराबर। सल्फर वाले पार्ट का मास कितना है, 32 के बराबर। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालेंगे, तो 32:32, इसका मतलब रेशियो 1:1 आएगा। ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि हम लोगों का अगर एक एलिमेंट दूसरे एंड तीसरे के साथ कंबाइन कर रहा, तो पहला एलिमेंट दूसरे एंड तीसरे के जिस मास के साथ कंबाइन करेगा, वो मास रेशियो, मतलब ये 2:1, ये मास रेशियो विल बी सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच बी एंड सी कंबाइंस विद ईच अदर। मतलब सल्फर एंड ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेगा, तो उसका जो मास रेशियो आएगा, इस मास रेशियो के बराबर का वैल्यू इधर ऑब्जर्व होगा आइदर, या फिर इस मास रेशियो का कोई एक इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू हो गया, होल नंबर मल्टीपल होगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग रेशियो 2:1 निकल के आ गया। तो अगर ए एलिमेंट बी के साथ एंड सी के साथ कंबाइन कर रहा, तो बी एंड सी में जो मास रेशियो आया, बी एंड सी के कॉम्बिनेशन में जो मास रेशियो आया, जो यहाँ 2:1 है, ये सेम मास रेशियो हम लोगों के दूसरे केस में, मतलब जब ए वाला पार्ट बी और सी के साथ कंबाइन कर रहा, वहां के मास रेशियो में ये सेम मास रेशियो अपीयर होगा, या फिर इसी मास रेशियो का कोई होल नंबर मल्टीपल अपीयर होगा, ऐसा हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में बोलते हैं। बट इतना चेक नहीं करना होता, तीन एलिमेंट दे रखा, तीन कंपाउंड बना रहा, इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। ये बस NCERT में दे नहीं रखा है। और कोई डाउट? नो सर, सर क्वेश्चन में डाउट है।
क्वेश्चन में डाउट डिस्कशन क्लास में पूछ लेना, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा सब डिस्कशन क्लास में पूछ लेंगे आराम से, ठीक है? नहीं ओके, तो कल तुम्हारा, कल से फिजिक्स का क्लास रेगुलर होना शुरू होगा। हम पहले चाह रहे थे केमिस्ट्री का डिसेशन क्लास खत्म हो जाए तुम्हारा, क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ लिया था। कल से 12 बजे से फिजिक्स का डिसेशन क्लास शुरू हो जाएगा, रेगुलर अपना डिसेशन क्लास चलेगा, जो जो टॉपिक तुम्हारा रह गया वो सारा टॉपिक सर कराते चले जाएंगे, ठीक है? और सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो छोटा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को उसके बाद कराएं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई यूज नहीं है अभी, तो पहले फिजिक्स कर लो, क्योंकि फिजिक्स हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। जितना तुम्हारा मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट है वो सबका सब यूज पड़ेगा, तो हम सजेशन देंगे कि पहले फिजिक्स वाला टॉपिक कर लो, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर करना, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। मोल कंसेप्ट का थोड़ा पड़ता, और तुम क्योंकि पढ़ लिया था तो इसलिए पहले कर लिया इसका डिसीजन, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर कहीं यूज नहीं पड़ना है, जो हम लोग कल पढ़े, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट है क्या? बताओ कल नहीं जो, हाँ तो कल वाले टॉपिक में अगर डाउट नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि कल वाला टॉपिक के बाद आगे अभी से लेके पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन सारे पार्ट में केवल यहीं का पार्ट यूज आने वाला है, तो दिक्कत तो नहीं आना चाहिए इसके आगे। तो हम लोग आराम से उसको कवर कर लेंगे, पहले फिजिक्स कवर कर लेने का है, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम में आएगा तो उसमें दिक्कत होगा, ठीक है? यस सर। और कुछ पूछना है तो बताओ। सर कल वाला पार्ट में स्टार्टिंग में जो बता रहे थे वो समझ में आ रहा था, लेकिन लास्ट तक में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो सुनते सुनते लोगों का दिमाग थोड़ा वो हो जाता है, क्या बोलते, कलेप्स करना शुरू कर जाता है। अरे यार 1.5 घंटे का लेक्चर है, कैसे आप सारी चीजें एक ही बार में सोच, तुमको क्या लगता है क्लास में हम लोग कुछ प्रवचन देंगे सब दिमाग में घुस जाएगा क्या? उसके बाद पढ़ना होता है उसको, जैसे मान लो क्लास में नोट्स लिखा है, उस नोट्स को पढ़ना होता है दोबारा। मेरे क्लास में प्रवचन देने से अगर सब कुछ अच्छा हो जाता, फिर तो कोई एक आदमी एक प्रवचन दे दिया और जिंदगी भर सब लोग उसको फॉलो कर ले रहा है। इतना आसान है क्या पढ़ना? मजाक चल रहा है क्या? हम लोग जब कोटा में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को क्लास में कुछ नहीं समझ में आता था कि सर क्या पढ़ा है, बस हाँ वो बोल रहे हैं वो चीजें, कुछ 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 स्ट्राइक कर रहे हैं, नोट्स लिखते जा रहे हैं, फिर घर जाके उसको पढ़ते थे तब जाके समझ में आता था, जबकि हम कोटा के टॉप बैच में पढ़ रहे थे। तो हम लोग को क्लास में नहीं समझ में आता था कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन घर जाके उस चीज को पढ़ते थे, फिर उस चीज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तब वो चीज हम लोग के दिमाग में आता था कि अच्छा ऐसा कुछ बोल रहे थे सर। तो ऐसा मत समझो कि क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए, क्लास में नहीं आता है समझ में। 50% क्लास में समझ आ रहा है मतलब बहुत अच्छे टीचर है, बाकी 50% तुम्हारा कैपेबिलिटी है। आजकल स्टूडेंट के अंदर एक बहुत गंदा मेंटेलिटी हो गया, उनको लगता है ना कि सब समझ में आ जाए क्लास में। हाँ समझ में आएगा, बोर्ड लेवल की चीज समझ में आएंगी, बोर्ड लेवल की चीजों में दिक्कत नहीं है, बट तुम बोर्ड की तैयारी कर रहा है क्या? नो सर। तो बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहा है, थोड़ा भारी चीजें सीखने के लिए थोड़ा भारी एफर्ट लगाना पड़ता है, भारी चीजें भारी तरीके से ही सीख सकते हैं। तुम बोले कि पहाड़ तोड़ना है, तो नहीं पहाड़ तो ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे पत्थर तो टूट जाता है, तो पत्थर टूटना अलग चीज है, पहाड़ तोड़ना अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस होता है। जब जाइए एडवांस है तो थोड़ा ये चीज देखो कि रीडिंग एबिलिटी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करो। तुम नॉन स्कूलिंग में है ये हमको वो सजेशन देंगे, बुक्स वगैरह रीड करो, बुक्स का मतलब अच्छे बुक्स, ये नहीं कि तुम्हारा अरिहंत वरिहंत का बुक हम बोल रहे पढ़ना है। अरिहंत के बुक्स बुक्स नहीं, वो नोट्स है बेसिकली, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो नोट्स है उधर, और कुछ नहीं है वहां पे। बुक्स का मतलब जैसे फिजिक्स में मान लो हेलिडेरस हो गया, केमिस्ट्री में जैसे पॉला ब्रूस हो गया, जेडी ली हो गया, मैकमरी फे हो गया, ये सब बुक्स थियोरेटिकल बुक्स है, जिसमें तुमको पढ़ के ना कुछ टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा, अच्छा ऐसा होता था क्या। यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो गया, ये सब बुक्स थियोरेटिकल रीडिंग के लिए बहुत अच्छे बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, मतलब थोड़े फॉरेन ऑथर्स के बुक है, और इंडियन वालों ने भी आजकल मिल करके बुक्स लिखना शुरू किया है, वो भी अच्छे बुक्स हैं। बट अरिहंत नहीं, सिंगेज में क्या पड़ेगा, सिंगेज नोट्स है वो, सिंगेज क्वेश्चन बैंक अच्छा है, थियोरेटिकल बुक नहीं है। एससी वर्मा पढ़ने लायक बुक नहीं है, उसमें थ्योरी बहुत कॉन्साइज वे में दे रखा है, बहुत कॉन्साइज वे में, उसे आप समझ नहीं सकते चीजें। बट एक टाइम था जब वही बहुत बड़ा रिसोर्स था, उस टाइम पे कोई बुक्स वगैरह नहीं था, कोई इतना कोचिंग नहीं था, तो सब बुक्स वगैरह रीडिंग करने का है, कोई भी चीज नहीं समझ में आता तो बुक में रेफर करने का है, क्योंकि ये एफर्ट आपको क्लास में लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि हम लोग सारी चीजें बैठ के समझा दें, हम लोग बताएंगे सारी चीजें बताएंगे और समझाने का एक सर्टेन तरीका। बट तुम एक चीज सोचो, टोटल केमिस्ट्री का 11th 12th का सिलेबस अगर मान ले, मतलब बिल्कुल अच्छे से ब्रेक कर ले उसको, छोटे छोटे टॉपिक एकदम अच्छे से ब्रेक कर ले, तो टोटल 40 चैप्टर है टोटल 11th 12th मिला के, और कितना टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए? तो मान लो जैसे 11th में अगर अप्रैल में कोई लोग शुरू करता है, एकदम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, लॉकडाउन वगैरह हटा दो, अप्रैल में अगर कोई क्लास शुरू करता है तो अप्रैल से लेके फरवरी तक सिलेबस चलता है नॉर्मली, फरवरी भी नहीं चलता, फरवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस, मतलब 10 महीने का सिलेबस है 11th में,
ट्वेल्थ क्लास में अगर हम लोग का अप्रैल में सिलेबस शुरू होता है तो नॉर्मली अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर मिड तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उधर भी 7 महीने का सिलेबस है, तो 10 और 7 17, चलो 18 कर लेते हैं। 18 महीने में तुमको 40 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री के, 18 महीने में तुमको 30 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स के, 30 चैप्टर मैथ्स के पढ़ना है, मतलब हर महीने कम से कम दो दो टॉपिक पढ़ना चाहिए या होना चाहिए। कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग 1 महीना चलेगा, 1.25 महीना चलेगा, कोई कोई टॉपिक बहुत बड़े हैं, कोई टॉपिक थोड़ा छोटा है। तो जैसे अगर हम लोग सोचेंगे ना क्लास में ही सब कुछ समझ ले तो फिर तो 40 टॉपिक कहाँ से कर पाएंगे, मतलब चांसेस है कि 40 टॉपिक कर पाएंगे। मोल कंसेप्ट में ऑलमोस्ट 13, 14, 15 लेक्चर लगता है। तो अब जैसे मान लो हम डिस्कशन क्लास के बिहाफ पे कुछ टॉपिक्स शॉर्ट आउट कर दिए, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है वो भी एक टॉपिक के जैसा कहीं कहीं दे दिया जाता है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे, सिक्वेंशियल रिएक्शन क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे, तो मेरा टाइम थोड़ा बच गया उसमें। बट हम पहले बैच में वो सब चीजें क्लास में बताया है कि चलो ठीक है इनके पास टाइम है, वो लोग मई में आए थे, उनका 2 मई से क्लास शुरू था, उन लोग आराम से पढ़ाए थे तो उनके पास टाइम था सीखने का इस चीज को। अब तुम लोग 2 महीने बाद आए तो तुम लोग के लिए थोड़ा टाइम कट शॉर्ट करना पड़ा, अब तुम लोगों को डिस्कशन क्लास के थ्रू सब चीजें सिखानी है क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना मस्ट है। 9 लेक्चर का मतलब समझता है एक वीक में 4 लेक्चर अगर होता है नॉर्मली, तो इसका मतलब 12 लेक्चर का मतलब 3 वीक तो ऐसे ही निकल गया। तो बहुत नेक टू नेक काम करना पड़ता है, इसके लिए तुम लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम लोग का ये काम है सारा सिलेबस तुम्हारे कॉपी में दिला दिया, जितने रिलेवेंट क्वेश्चन थे वो करा दिया, और उसके बाद जो भी बुकलेट के रिमेनिंग क्वेश्चन थे तुम लोगों को करना है, फिर जो नोट्स भी लिखा है उनको याद रखना है। ये अगर एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ क्लास में समझ में आ गया तो इसका मतलब आप बोर्ड ओरिएंटेड तैयारी करना चाह रहे हैं। बोर्ड में लोगों का ऐसा ही होता है कि सर क्लास में समझ नहीं आता, अरे नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही थोड़े ना पूरे इंडिया का पूरे वर्ल्ड में जेईई एडवांस को सबसे भारी बोला जाता है, तो ऐसे ही थोड़े ना भारी है। ऑब्वियसली बात है, भारी अगर है तो क्लास में तो नहीं समझ में आने वाला, अगर क्लासे में सब समझ में आता तो फिर कोचिंग की जरूरत क्या होती, फिर तो स्कूल वाले टीचर से भी क्लास में समझ में आ जाता। तो चीजें डिफिकल्ट है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करना होगा। जो क्लास में नहीं समझ में आया अपने नोट्स में रोज पढ़ा करो उस चीज को, रोज जैसे ही आज होमवर्क मिलता है तुरंत उसका होमवर्क कंप्लीट करना है। ये एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल सा रूल है, रोज का होमवर्क रोज करना है, डिले नहीं करना। तुम्हारे पास नॉन स्पेलिंग का बेनिफिट है तो इस चीज का बेनिफिट उठाओ, रोज का होमवर्क रोज कम्प्लीट कर रहा है। ये नहीं कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज थोड़ा ये पढ़ देते, नहीं कुछ नहीं, पहले होमवर्क उसके बाद बाकी कुछ, क्योंकि अभी तो होमवर्क कम मिल रहा है। डीपीपी में होमवर्क मिलना शुरू होगा, बुकलेट में होमवर्क मिलना शुरू होगा, कुछ अच्छे बच्चे जैसे हम बोले कि हम लोग 5-6 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उन 5-6 लोगों को जब सिलेक्ट करेंगे तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा भी होमवर्क देना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को मेहनत कराना है। हम भी ये इन सब प्रोसेस से ही गुजरे हैं, हम भी कोटा में जब गए तो सेम प्रोसेस से गुजरे हैं। पर डे हम लोग को कम से कम 100 क्वेश्चन होमवर्क मिलता था, कम से कम 100 क्वेश्चन, तुम लोग को अभी तो 40-50 क्वेश्चन मिल रहा है, कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तब जा करके सोचो कि अभी से लेके 2 साल तक ऑलमोस्ट 350 दिन है जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा, सॉरी 700 दिन है, 700 दिन अगर 100-100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और लोग करते हैं, लोग बहुत मेहनत करते हैं, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रोज करते हैं, है लोग इतने मेहनती जो अपना क्वेश्चन रेगुलरली करते जा रहे हैं, वो इधर उधर नहीं देख रहे हैं, वो रोज क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहिए भी, कि कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़े डिफिकल्ट है, अगर तुम पहले से उस चीज को पढ़ के आएगा तो तुमको वो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, आसानी से समझ में आएंगी। या फिर बोल सकते कि अगर हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से उस चीज को समझाना शुरू करें तो कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज को पहले से पढ़ के आया है, थोड़ा एफर्ट लगाने की कोशिश की और फिर भी नहीं समझ में आया, तो एटलीस्ट फिर भी उसको चीजें मालूम नहीं, अच्छा ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा टर्म्स है कुछ, वो आराम से 15 मिनट में चीजें सीखेगा। तो कुछ चीजें क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब जो ये 2 साल का प्रोसेस, इसमें ऐसा होता है हम लोग पूरे सिलेबस का 70% नॉर्मली क्लास में कराएंगे, मतलब जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं उन क्वेश्चन के टाइप का 70% क्लास में डिस्कशन के फॉर्मेट में कराएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो 10% आपको उधर से सीखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे डिफिकल्ट, कुछ डिफरेंट टाइप का, ताकि एकदम अननोन सिचुएशन आए तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चन आपको 10% एग्जाम के थ्रू सीखने को मिलेंगे, ये 90% आपको एग्जाम के थ्रू, मतलब ये 90% आप सीख सकते हैं कोचिंग में, 10% नहीं सिखा सकते आपको। एक टीचर का भी स्किल जो होता है, मान लो हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ा 100% केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा देंगे या 100% टॉपिक हम सॉल्व कर देंगे, हो सकता है 1% क्वेश्चन ना सॉल्व करें। तो जब एक टीचर 100% नहीं कर सकता तो स्टूडेंट नहीं कर सकता, 90% बहुत है। बाकी जो 10% है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया फिर दोबारा कभी फिर से क्वेश्चन सॉल्व किया उन्हीं क्वेश्चंस को, तब कुछ चमकेगा तुमको, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, कुछ चीजें उधर से सीखते हैं कि अच्छा हम ये तो गलत तरीके से सीखते थे, ये सही तरीका ये होना चाहिए। कभी कभी कुछ रैंडम कुछ क्वेश्चन आ गए
किसी ने कोई डाउट पूछ लिया, कोई थियोरेटिकल डाउट पूछ लिया क्लास में, कुछ चीजें वहां से क्लियर हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ये तो 10% चलता रहेगा, ये प्रोसेस 2 साल में भी कम्प्लीट नहीं होगा। ये तो हम अभी तक सीख रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमको भी नहीं मालूम है कि ऐसा क्या होता है, तो हम लॉजिकली उसका आंसर दे देते हैं, बट स्टिल हम कुछ रेफरेंस लेने की कोशिश करते हैं बुक्स वगैरह से, मतलब बताने के बाद कि देखो होना तो शायद ये चाहिए बट हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में फैक्ट बोल नहीं सकते। केमिस्ट्री में जैसे फैक्ट बोलेंगे पता चला एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, ऑल्दो हम लोग के सिलेबस में इतना एक्सेप्शन नहीं है बट केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। तो हम बोल तो देते हैं बट स्टिल बोल देते हैं कि ठीक है हम इसको एक बार चेक कर लेंगे और बाकी बुक्स वगैरह में कि और क्या रेफरेंस दे रखा, फिर दिखता है कि हाँ एग्जैक्टली सेम ही टाइप का उसमें आंसर दे रखा, तो चलो ठीक है हो गया। तो ये तो हम अभी तक सीख रहे हैं जबकि हम ऑलमोस्ट 9 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें तो आप नहीं सीख सकते, बट वही 70% हम लोग का काम है सिखाना, बाकी 10% आप बुकलेट क्वेश्चन या किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 10% उधर से कुछ सीखने को मिलेगा और 10% एग्जाम के थ्रू सीखना चाहिए, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब उस चीज को जितना मैक्सिमाइज कर ले कोई भी इंसान जितना मैक्सिमाइज कर ले तो उतना ही अच्छा रैंक में कन्वर्ट करता चला जाता है अपने आप को, और क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है। अभी तो क्लासेस शुरू हुआ है, अभी तो असाइनमेंट पर असाइनमेंट आता जाएगा, एक असाइनमेंट खत्म करो दूसरा देंगे, दूसरा खत्म करो तीसरा देंगे, असाइनमेंट का कोई कमी नहीं है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का कोई कमी नहीं है, जो दुनिया के सबसे भारी भारी क्वेश्चन है सब अपने पास पड़े हुए हैं। हम लोग रेजोनेंस, एलएन, पिटजी, आकाश सबका मॉड्यूल है मेरे पास, हम उन्हीं के क्वेश्चन कराते हैं, हम क्यों अलग से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन पॉइंट यह है कि तुमको वो चीज करने के लायक पहले बनना पड़ेगा। अब जैसे 12th के बैच में अरविंद नाम का लड़का है, वो पूरा बुकलेट सॉल्व करता है पूरा, तो तुम देखा भी हम लोग वेबसाइट वगैरह में उसका केवीपीआई में इतना अच्छा रैंक आया, पूरा बुकलेट सॉल्व करता है, बुकलेट के अलावा पूरा डीपीपी सॉल्व करता है, उसके सारे डाउट्स पूछता है, तब जाके फिर उसको दूसरा बुक एक रैंक बूस्टर है रेजोनेंस का, बहुत अच्छा बुक है, वो बुक सॉल्व करता है, वो हो गया तो उसके बाद उसको केमिस्ट्री के हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, फिर वो सॉल्व करेगा। तो ये लेवल वाइज चीजें चलेगी, ऐसे नहीं कि सीधा एकदम बिल्कुल पहाड़ तोड़ने चले गए फिर उसके बाद कहीं के नहीं रहे। तो ये चीजें हम लोग क्लास में टाइम के साथ सीखेंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि 2 साल का टाइम है, ये 2 साल का तैयारी है, ये नहीं कि कल को हमको आईटीजे का एग्जाम देना है। तो ये चीजें थोड़ा पेशेंटली सीखने की कोशिश करो, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो पहले खुद से सॉल्व करो। जैसे हम आईआईटी में जाने के बाद ये चीज सीखे, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है, कोई दूसरा इंसान उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। हाँ दूसरा इंसान आपको हेल्प कर देगा थोड़ा थोड़ा, एक बड़े से प्रॉब्लम में थोड़ा सा पार्ट में हेल्प कर देगा, थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे देगा कि अच्छा ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व आपको करना है। आईआईटी में ये लोगों का एटीट्यूड देखते हैं, जितने भी आईआईटी वाले लोग हैं सबके ऐसा एटीट्यूड देखते हैं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त लोगों से दिखते हैं मिलते हैं, मेरा जितना भी काम है जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ रहा है वो सारा चीज हम सॉल्व करते हैं। हाँ ये है कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है तो किसी से बात करके अपनी चीजें शेयर करके फ्रस्ट्रेशन थोड़ा दूर कर सकते हैं, लेकिन लास्टली सॉल्व हमको करना है। हम लोग का मान लो ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था जो एक हम लोग विन्यूअल पे जो थे, पोर्टल चेंज करना है तो हम बैठ करके सॉल्व किए उस प्रॉब्लम को, फिर हमको दिखा कि ये सब मेरा जो मन है कि ऐसा पोर्टल होना चाहिए, कोई भी ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। ऑल्दो हमको कोडिंग एकदम नहीं आता था, मतलब कोडिंग का 0 आता था, कुछ नहीं आता था, हम कोडिंग सीखना शुरू कर दिया और हमको अब लगता है कि हाँ हमको ठीक ठीक कोडिंग आ चुका है, मतलब इतना कोडिंग आ चुका है हम 50-60 हज़ार का जॉब आराम से ले सकते हैं मार्केट में, इतना कोडिंग आ चुका है हमको, तो हम सीखना शुरू किए। मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा कोडिंग करता है, बहुत अच्छा वो टेक्नोलॉजी के मामले में है, माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब कर रहा है, वो हमको यही बोला था कि अरे यार अतुल तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वो पेट में ही सीख लिया था क्या, मतलब पैदा होते ही सीख लिया था क्या, भारी था जेई एडवांस का तैयारी, लेकिन तुम सीखा ना उसको मेहनत करके। तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, सब लोग सीख ही रहे हैं, बस एक एफर्ट लगाना पड़ेगा पहली बार, तो एफर्ट लगाओ, अगर तुमको लगता है कि तुमको इस चीज की जरूरत है तो एफर्ट लगाओ। हाँ कहीं कोई दिक्कत होगा, कहीं कोई सजेशन चाहिए होगा तो उसके लिए है हम लोग, हम अपना टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, हम कोडिंग नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, वो तुमको करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करो, ये सब चीजें हम लोग बता के तुम्हारा काम आसान कर देंगे, वो अपना एक्सपर्टीज तुम लोगों को दे देंगे। तो हम कर रहे हैं उस चीज का डिसीजन, अपने 3-4 दोस्त लोगों से बात करते हैं, वो लोग बताते हैं ये करो ये करो ऐसा करो ऐसा करो, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमको आईआईटीएन बनना है तो पहले एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एक तो रोतलू वाला चीज नहीं कि ये प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम हो गया अरे रोना धोना हम लोग नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम लोग इमोशनल नहीं है, रोना धोना करते हैं, बट वो मतलब किसी प्रॉब्लम को लेकर रोना धोना नहीं करते। हम लोग को बड़ा मजा आता है, हम लोग के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मजा आता है हम लोगों को, अच्छा कोई प्रॉब्लम आया जिंदगी में कुछ सॉल्व करना है, कुछ भी चीज हो, जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक प्रॉब्लम, तुम एक चीज देखा था लास्ट ईयर, तुम सुना होगा न्यूज वगैरह में कि
जेई मेंस का एग्जाम का जब अनाउंसमेंट हुआ था, नीट के एग्जाम का, तो पूरा हंगामा हुआ था कि ये कोविड का केस चल रहा है, कैसे आदमी जाएगा, ट्रेन बंद है, दिस बंद है, दैट बंद है, सब हुआ था ना लास्ट ईयर, हंगामा न्यूज वगैरह में देखा था। यस सर, हुआ था। तुम एक चीज देखा था, पूरा दुनिया रो रहा था कि ये प्रॉब्लम है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आईआईटी वाले लोग एक वो बना दिए थे, एडीयू राइड करके एक ऐप बना दिया कि अगर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाने में डिफिकल्टी है तो आप आराम से यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, और जो भी लोग इसमें मतलब ये आपको हेल्प कर सकते हो, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जेई और नीट के एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ लोकोमोशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, जो लोग इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में वो दिक्कत था, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सैनिटाइजर का प्रॉब्लम हुआ था शुरुआत में, सस्ता सैनिटाइजर बना दिया। कोविड का टेस्टिंग किट का प्रॉब्लम चल रहा था, कोविड का टेस्टिंग किट बना दिया। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ये एटीट्यूड हम हमेशा देखते हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा मजा आता है। हम लोग दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं, हम ऑलमोस्ट सबको देखे हैं, आइदर एकदम आलसी, और है मेरा भाई आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है कंप्यूटर साइंस से, वो रांची का टॉपर था 2014 में, एकदम आलसी है, मतलब हम तो आलसी है, हमको लगता था हम बहुत आलसी है, वो इतना आलसी है कि एक बार वो बोकारो आया था, उसको भूख लगा हुआ था रात में, वो गेमिंग करता है, बहुत बहुत गेमिंग करता है, तो कॉलेज के टाइम की बात है, बोकारो आया हुआ था, उसको भूख लगा हुआ था, मतलब मैगी बना लो, नहीं बनाया मैगी, वो भूखे रह गया रात भर, मैगी नहीं बनाया, वो इतना आलसी है। तो हम बोला अरे तुम, हमको लगता था हम आलसी, तुम तो माँ आलसी है, तो ठीक है ना, क्या ही करे, इससे अच्छा दिल्ली होता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो हम लोग आलसी बहुत है, बहुत आलसी, हम लोग काम नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम आ गया और हमको मालूम है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो अब उसको सॉल्व करना है, चाहे उसके लिए 24 घंटा जागना पड़े, 48 घंटा जागना पड़े, हम लोग जागेंगे। लास्ट ईयर हम लोग ये काम किए हैं, लास्ट ईयर लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में था कि अभी ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं कर रहे, मतलब 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, 22 से लेकर 2 अप्रैल तक हम आराम से सोए थे, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे काम कर करके, बहुत एकदम थक चुके थे, 2 अप्रैल तक सोए हुए थे। फिर ऐसे ही दोस्त लोगों से बातचीत किए, थोड़ा मस्ती वस्ती करना शुरू किए, फिर पता चला कि लॉकडाउन लंबा चलेगा, फिर पेरेंट्स लोगों का भी डिमांड आ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस करा लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, ये है वो है, तो हम बोले चलो करते हैं। तो हम एकदम एनर्जी में थे क्योंकि रेस्ट किए थे 10 दिन, पूरा 3 दिन जाग करके, लगातार 3 दिन बिना सोए हुए पूरा ऑनलाइन सिस्टम सेटअप किए, कैसे कैसे बच्चा रजिस्टर करे, क्योंकि सबके लिए नया चीज था, कैसे क्लासेस करना है, क्या करना है, जूम का जो मीटिंग हम लोग उस टाइम पे ही बात की है, जूम के थ्रू कैसे काम होगा, बच्चा जूम पे कैसे आएगा, कैसे उसको सिखाना है क्लास के लिए, क्या करना है नहीं करना है, बच्चा रजिस्टर कैसे करेगा, उसका ईमेल आईडी हम लोग के पास कैसे आएगा, यूट्यूब पे हम लोग जो वीडियो हो कैसे अपलोड करेंगे। 3 दिन बैठ करके पूरा सिस्टम सेटअप किया, 3 दिन बिना सोए हुए काम, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और तब से लेके 17 अप्रैल तक, मतलब हम लोगों का 7 अप्रैल से क्लास शुरू हो गया था, मतलब हम लोग पूरे बुखार में सबसे पहले कोचिंग थे जिसका ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ था, 7 अप्रैल, एग्जैक्टली 7 अप्रैल, एक बैच का क्लास शुरू था 12th वालों का, 7 से लेकर मतलब 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे सो रहे थे, फिर 17 तारीख तक चीजें थोड़ी स्मूथ वे में सारे बैचेस शुरू हो गए, तब हुआ कि हाँ चलो ठीक है अब रिलैक्स कर सकते हैं, अब हो गया काम, मतलब चीजें अपने स्मूथ वे में चल रही है। तो ये जब प्रॉब्लम आया तो उसके लिए हम जितना एनर्जी लगाना लगाएंगे, लेकिन ये एटीट्यूड पहले डेवलप करना होता है कि अगर प्रॉब्लम है तो हम रात भर जाके काम करने के लिए रेडी है, हाँ प्रॉब्लम नहीं तो हम रेस्ट करेंगे, जितना हम एनर्जी सेव करके रखे, अगर मेरे पास एनर्जी रहेगा तभी ना हम 24 घंटा जाग पाएंगे, तो एनर्जी सेविंग मोड में भी रहना होता है। बट आपका प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, आपको प्रॉब्लम हमारा बगल वाला सॉल्व नहीं करेगा। ऐसे लोग केवल बस एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया तो ऐसा नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम हो गया ऐसा नहीं कर पाए, लास्टली उसका जो इफेक्ट हो तुम पे आने वाला, तुम्हारा जेई में सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे बगल वाले की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कोचिंग की प्रॉब्लम नहीं, तो बोले कोचिंग अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए नहीं हो पाया, अरे बेकार की चीज है ये, हम लोग मान लो नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हारा करियर खराब करेगा क्या, ये क्या तरीका है। लोग बोलते हैं कि कोचिंग में अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ, नहीं कोचिंग के भरोसे आपको पहले दिन से नहीं रहना है, आपका पढ़ाई आपको करना है, कोचिंग अगर अच्छा नहीं पढ़ाई करा तो आप एक्शन लो तुरंत। हम कोटा 1 साल में छोड़ दिए थे, हम पहले साल में 11th में कोटा गए थे, 12th में ऐसा नहीं है कोचिंग खराब था, रेजिडेंस बहुत अच्छा कोचिंग है, बट मेरा मैथ्स अच्छा नहीं हो पा रहा था, जबकि हम कोटा के सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ रहे थे मैथ्स, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो हम तुरंत एक्शन लिए नेक्स्ट ईयर कि हम कोटा छोड़ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स लोग बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं नहीं मैं छोड़ो, बोले नहीं मैथ्स हमको सुधारना है, ऐसा नहीं कर सकते, ऑल्दो थोड़ा गलत डिसीजन हुआ क्योंकि पटना आने से मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री जितना अच्छा था उतना नहीं रह पाया, यहाँ पे लोग बहुत अनसिस्टमेटिक, हम केमिस्ट्री खुद से पढ़े 12th क्लास में, पूरा खुद से पढ़े केमिस्ट्री, कोई कोचिंग नहीं। फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे सर थे, दीप मुखर्जी, एससी वर्मा के ही दोस्त हैं, वो लोग सारे के सारे बैचमेट थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट स्टिल कोटा में जो सिस्टम था वो सिस्टम हमको नहीं मिला, तो मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे चला गया। मैथ्स थोड़ा सुधरा, कोटा में भी रह के सुधार लेते हम, बट हमको कुछ बताने वाला नहीं था, तो लिए डिसीजन, बट जो भी डिसीजन लिए हम लिए क्योंकि हमको अपना सिलेक्शन कराना है,
कल को सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, अगर कल को सिलेक्शन होगा तो मेरे लिए बेनिफिट है। तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा आराम से, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मेहनत तो नो डाउट बहुत करना पड़ेगा। तुम्हारे जूनियर लोग तुम लोगों से आगे चल रहे हैं, 10th क्लास के हम लोग यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है, तुमको भरोसा नहीं तुम अपने टाइम टेबल में देखना, R2021 करके एक बैच है, वो R2021 10th क्लास के स्टूडेंट्स का बैच है जो अभी 10th में गए हैं, उनका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू हो चुका है फिजिक्स में, उनका फिजिक्स में मैथ्स में फंक्शन खत्म हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका, केमिस्ट्री में उन लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम तब खत्म हो चुका, उनका नोमेनक्लेचर आइसोमरिज्म खत्म हो चुका है, उनका केवल 11th क्लास में 3 टॉपिक बाकी है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स, केवल ये 3 टॉपिक 11th का बाकी है, बाकी सब खत्म हो चुका है उनका, वो 10th के स्टूडेंट है और वो लोग बहुत तगड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो तुमको भी इस तरह का मेहनत करना पड़ेगा, बहुत रिगोरस मेहनत करना पड़ेगा, जहां जहां दिक्कत है तुरंत हम लोगों से बात करो कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, हम लोग उसके लिए खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत तुमको करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो कि किसी तरीके से सॉल्व कर ले, जब तक क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तब जाकर के फिर हम लोगों से बात करो, अदरवाइज क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, क्योंकि सीखते उसी से है, अगर हम कोई प्रॉब्लम बार बार कोई दूसरा आदमी कर देगा तो हम नहीं सीख पाएंगे, पहले बहुत एफर्ट लगाना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के, तो ज्यादा तेजी से चीजें सीख सकते हैं। हम कोडिंग इतना जल्दी इसलिए सीख पा रहे हैं क्योंकि हम खुद से रिसोर्सेज रिसर्च कर करके इधर उधर देख रहे हैं, और कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमने दोस्त लोगों से सजेशन लिया, आराम से काम हो पा रहा है, इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखने का है, बाकी मेहनत करो, हम लोग तो मेहनत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए, बाकी जैसा होगा भी आगे पता चलेगा आराम से। और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, और भी डाउट क्लासेस है मेरा नहीं है सर, ठीक है, ओके, बाय बाय।